नवीन ओबराय जी प्रदेश उपाध्यक्ष
अल्पसंख्यक से लोग हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है, जहाँ बड़े बड़े वाजा करता हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है, और तमाम हमारे हमारे मुन्ना भाई हमारे बीच यहाँ पर, तैयब साहब हमारे बीच यहाँ मौजूद है, और तमाम हमारे यहाँ पर भट्टर के आए हमारी माँ बहनें हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है। उसी तरह से तमाम भट्टर फिर अल्पसंख्यक होगा, युवा होगा, ओबीसी है, और तमाम भट्टर जो है हमारे बीच यहाँ पर मौजूद, उसके प्रधानमंत्री कार्यक्रम हमारे बीच मौजूद है। आप तमाम का मैं यहाँ सम्मान करता हूँ, मैं वक्त करता हूँ, और इस शेर के साथ मैं हमारे इस प्रोग्राम का आगाज करता हूँ कि आप आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है, स्वागत करता हूँ आप तमाम का भी यहाँ पे, स्वागत करता हूँ। उस तरह से तमाम आए हमारे प्रेस मीडिया के भाई लोग, उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, मैं वक्त करता हूँ। मुहिम का पहला प्रोग्राम हमारे इस औरंगाबाद शहर से, ये तारीख औरंगाबाद शहर से होने जा रहा है, और आप तमाम की मौजूदगी ये दर्शाती है कि इंशाल्लाह ये जो मुहिम रहेगी ये बहुत कामयाब। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी एक तहजीब है, हमारे देश की हमारी एक तहजीब है कि जो हमारे घर मेहमान आता है हम उसको अला मकाम अदा करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। हमारी बहन डॉक्टर फौजिया खान यहाँ पर आई है, तमाम उनके साथी भी यहाँ पर आए हैं, हमने उनको अला मकाम अदा किया है, साथ ही हम एक छोटा सा इस्तकबाल भी यहाँ पे करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले बिना तारीख खड़े राष्ट्रीय सचिव एनसीपी शरद पवार का, महराज पटेल शहर अध्यक्ष एनसीपी शरद पवार का गुजारिश करता हूँ जो बाकी डॉक्टर फौजिया खान मैडम का इस्तकबाल करें, स्वागत करें। जनाब हाजी इलियास साहब के मानी का मैं इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। तमाम मेहमानों का इस्तकबाल यहाँ पे कर रहे थे, खैर मकदम यहाँ पे कर रहे थे, जो कि हमारा फर्ज बनता है कि जब हमारे औरंगाबाद शहर में वो आए तो उनका इस्तकबाल करना हमारा फर्ज बनता है, हमने उनका इस्तकबाल यहाँ पे किया। अब हमारे जो कुछ स्पीकर हैं उनको हम यहाँ बुलाने जा रहे हैं, और तमाम स्पीकर के मैं नाम लूंगा, वो जो है तो अपनी बात कम समय में रखे, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट में रखे, समय की कमी होने की वजह से जो है तो मैं आप तमाम को गुजारिश करता हूँ कि वो मुझे चिट्ठी हाथ में ना देना पड़े, इसका ख्याल रखे। मैं सबसे पहले दावत देता हूं हमारे राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार के राष्ट्रीय सचिव महिला विनाताई खरे, इनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने कार्यक्रम यहां पे पेश करें। जनाब मैडम विनाताई खरे, जब से कार्य करता है
और आज पुलिस की नौकरी जाने के बाद अपने साथ काम कर रहे और बहुत बड़ी सफलता है, उनका भी सेवा कर रहे हैं। बुलाबाजी को उधर वैसे हमारे जोड़ने काम अपने घर एवडे घर कर शहर क्वचित स्वतः किमत नहीं अगर सोडल तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हि तशी तशी आज इंटैक्ट अपने तुम्हारा शहरा मध्य दिसेल और औरंगाबाद की शान मान वैसे खासदार ध्वजा खासदार हमारे पृथ्वी भाई आशा भाई कुंवर साहब हमारे इंदर भाई कार्यक्रम जयपुर साहब हमारी जो पार्टी स्थापन हुई जब से जो काम कर रहे हमारे वैसे एक नेता जो हर सुख में दुख में और पार्टी के हर समय साथ रहने में हमारे मीना भाई करे घेरा करे छाया करे और युद्ध के अध्यक्ष और ऐसे हमारे जो हमारे उस्ताद थे मनमोहन सिंह ओबराय का जो हमको सब कुछ मानते थे वैसा हमारा भतीजा उनका बच्चा हो रहा है और सबके नाम लूंगा तो और टाइम समय छेको पत्रकार परिषद है मैं एक ही बात बोलूंगा बाजी ये सब लोग है ये पूरे अपने पार्टी के जो एक पूरे चले गए जो अपने पास जो 40 जो आमदार गए उस दिन जो अपने जो दलाल थे जो भी थे वैसे चले गए मगर ये जो लोग थे ये पूरी के पूरे अपने साथ है और मेरे जिस दिन अपने एक ही बात बोलूंगा भाई जिस दिन अपने लोग राजीनामा दिए सबसे पहले हमने पत्रकार परिषद के इजाज हुए थे ये पूरे लोग थे ये पूरे लोग रहने के बाद हमने यहाँ पत्रकार परिषद किए पत्रकार परिषद में ऐसा तय हुआ कि अपने पास से यहाँ पे दो पांच गए मगर हमारे अपने पार्टी को छोड़ के कोई नहीं गया उनके साथ वो ये लोग हैं और हम सब मिलकर यूथ हो महिला हो विद्यार्थी हो पूरा फ्रंट एक अच्छे तरीके से काम हम कर रहे ये शहर पवार साहब को मानने वाला शहर है जैसा कुंवर साहब ने बोले जब से स्थापना हुई जब से हम सब मिलकर काम कर रहे उसमें महिला का योगदान है यूथ का योगदान है बुजुर्गों का योगदान है और जो निष्ठा में कार्य करते वैसे जयपुर साहब है हमारे पवार साहब है ऐसे बहुत लोग हैं ये पवार साहब की मांगने का वर्ग ज्यादा है आने के वक्त में आप किसी को भी दो महाविकास आघाड़ी के अंदर तो वो तो मिलने वाला मगर यहाँ से अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस से किसी को भी अगर टिकट दिए तो हम सब मिलकर उसको चुना के लाने का काम करेंगे उसके लिए गवाही देता हूँ और तो प्रिय खासदार जिन्होंने एजुकेटेड उनकी जो होने की वजह से राज्यसभा में जिस तरह की रिप्रेजेंटेशन अलग अलग विषयों पे उन्होंने किया आज वो जन जागरण की यात्रा की शुरुआत यहाँ से औरंगाबाद से कर रहे हैं मैं उनका सबसे पहले स्वागत करता हूँ हमारी स्वागत करता हूँ हमारे शहर के अंदर सन्मानीय खाजा भाई हमारे इलियास किरानी जी अभिषेक देशमुख जी मोटे साहब हमारे मेराज साहिब मीना साहिब
अभिषेक देशमुख जी और सब जितने भी स्टेज पे बैठे हुए विराज भाई हमारी शहर की महिला की तरफ से बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं एक अपने शहर से अपनी बात को शुरू करता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के मेरे खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, फौजिया मैडम बहुत कॉम्पिटेंट हमारी लीडर है जो इस बात को बड़े बाखूबी के साथ दोबार साहब के सामने और बाकी लीडरशिप के सामने रख सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमान भाई के बाद में जो लीडरशिप औरंगाबाद को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है, और मैं चाहता हूँ कि अच्छा नुमाइंदा एक मुस्लिम, मैं खुद क्योंकि क्या बोलते हैं पीरों को भूली तुच्छा करते हैं, खुद पीर बोले मैं पीर हूँ कोई नहीं मानता, मैं आपकी बात कर सकता हूँ आप मेरी बात कर सकते हैं, तो एक दूसरे समाज को इकट्ठा करने के लिए हमारे अजीज सेठ साहब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी के अध्यक्ष थे, कर्नाटक से आते थे, उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी कि देखो उनका तुम मुसलमानों की बात करें, मुसलमान दलित की बात करें, दलित सिख की बात करें, हम मिलजुल के माइनॉरिटी यदि इकट्ठे बात करते हैं तो 34 करोड़ हो जाते हैं, तो उनकी बात को कोई दबा नहीं सकता। तो सबसे पहले मैडम मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि एक मुस्लिम अच्छा नुमाइंदा औरंगाबाद से आप दीजिए, और हम पूरी मेहनत करेंगे। पिछली बार भी मैंने मेहनत की थी, लेकिन जिस कैंडिडेट को टिकट दिया गया था उस कैंडिडेट ने बाद में 3-4 दिन के वक्त में जो बच गया था वो बोले कौम पलट गई कौम पलट गई, और बाद में उन्होंने हाथ खींचा और जो है वो 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये से हमारी सीट यहाँ से गई थी। मैं उस टाइम में पूरा कंपनी का इंचार्ज था, पूरा जितना भी साहब आए थे बड़े साहब उनका लाइव टेलीकास्ट यहाँ से रामनाथ मैदान से हुआ था। तो अभी भी ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ एक एक लीडर बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है, वो सब काम कर सकते हैं, खाली उनको लीडरशिप को आपको सहयोग देके उनको ऊपर उठाने की जरूरत है। यदि एक मुस्लिम लीडर औरंगाबाद से अच्छा मिल गया तो सारी माइनॉरिटी को वो लेके चलेगा, और मुझे लगता है कि हम उसके अंदर सफल होंगे, आप जो आए आपकी यात्रा भी सफल होगी, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही बोलूंगा कि आप किस चीज का फायदा उठाते हुए औरंगाबाद में अच्छी लीडरशिप को निर्माण करने के लिए एक औरंगाबाद में अच्छा आमदार देने की कोशिश करें। जय हिंद जय महाराज खुदा। खाजा भाई अभिषेक भैया, छाया भाई नवीन भैया, कुंभर जी, किरमानी साहब, मैडम एवं सकते मैं का राष्ट्रीय कांग्रेस जास्त जास्त पक्ष कस वाले औरंगाबाद शहर अपना एक आमदार कसा हो आप गर्वी देते थाम। धन्यवाद। आदरणीय पवार साहेबांनी 50% आरक्षण आपल्या महिलांना दिलं,
उसमें हमारी मुस्लिम लीडरशिप को नुकसान हुआ। ये जो धोखा बड़े हाइटी हमको दे रहे हैं, ये भी हमें समझना होगा औरंगाबाद की मासूम जनता को। तो ये सोचते हुए कि जब वक्त पड़ता है इनकी सीट पर, तो ये सीट बचाने के लिए आपस में एक दूसरे से इतिहाद कर लेते और औरंगाबाद के आवाम को आपस में लड़वाकर बेवकूफ बनाकर हमारी सीट चले जाती। तो हम इस मरतबा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से, हम अपनी पार्टी से गुजारिश करते हैं कि मध्य में क्रिश्चियन समाज है, सिख समाज है और दलित समाज है, मुस्लिम समाज एक अच्छा खासा जो तो कैडर रखते हैं। तो हमारे आपसे अपना दरखास्त है कि इस मध्य को एक मुस्लिम कैंडिडेट दिया जाए, ना सिर्फ दिया जाए बल्कि पूरी कोशिश की जाए कि हमको चुनने आए हैं, ये आपके बहुत दरखास्त है। तो मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं आवाम से ये दरखास्त करूंगा कि हमारी औरंगाबाद से कि इस हिंदू मुसलमान के लफड़े में न जाए और इस बार जो लोग हमें धोखा दे रहे हैं उनको बाजू में रखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, हमारे कांग्रेस को और शिवसेना, हमारी अलायंस इंडिया का गाड़ी को तीनों सीटों पर कामयाब करें। दूसरी बात, जब हमारी सरकार ने आसे पे हमला हुआ, आप जानते हैं कश्मीर में हमारी एक बहन पे कुछ लोगों ने हमला किया, उस पर बलात्कार किया, तो उसके लिए भी एहतजाज हजारों के तादाद में एहतजाज किया गया। उसके बाद जब हमारे पूरे देश पे आफत आई एनआरसी की, उसके लिए भी बढ़ चढ़ के इसके लिए आप बड़े बड़े वक्ताओं को यहाँ पर बुला के, एक सामाजिक वक्ताओं को बुला के, हर धर्म का वक्ता यहाँ पर बुलाया गया, उनको बुलाकर जो है सामाजिक तंजीम के जरिए वो बात यहाँ पर बात रखी गई। उसके बाद तीन तलाक का मसला आया, तब भी यार भाई आगे बढ़कर आए और हमारी माँ बहनों के लिए लड़ा। उसके बाद जब सीरिया पे हमला हुआ तो उसके लिए वो तो बाहर का देश था, लेकिन हमारा भाई है, वो चाहे कोई भी किसी की भी जान जाए, वो इंसान है, हमारा भाई है, इसलिए यार भाई आगे चलकर आए और बहुत बड़ा यहाँ पे धरना दिया। और बाद में म्यांमार पर जब जुल्म हुआ तो वहां पे भी यार भाई हमारे बीच आए। मैं शेर के साथ उनको दावत देता हूँ, मंजिले तेरी तलाश में घूमेगी दर बदर, मंजिले तेरी तलाश में घूमेगी दर बदर, मखनों के खुदा की राह में एक पत्थर हटा के देख जनाब हाजी इलियास की मई का। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।